नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और कुछ सेकंड के लिए मैंने रिपब्लिक भारत देखा, ऐसे वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसे इकट्ठा होकर के दोनों हाथ ऊपर करके कूद रहे हैं, जैसे मानो पता नहीं क्या मिल गया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है अर्णब गोस्वामी को, और इस जमानत को लेकर के और उसकी सुनवाई को लेकर के अब सवाल खड़े हो गए। और सवाल किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने खड़े नहीं किए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने ये सवाल खड़े किए। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अर्णब गोस्वामी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है, इसको लेकर के सवाल उठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक दिन पहले ही अर्णब गोस्वामी की तरफ से याचिका डाली जाती है, जमानत याचिका डाली जाती है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। तुरंत उस पर सुनवाई होती है और इसको लेकर के अब हंगामा हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने इसको लेकर के हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब एक रोस्टर सिस्टम बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो है जो जो याचिका डाली जाती है वो एक रोस्टर सिस्टम बना हुआ है कि जिस जिसकी याचिका आएंगी वो कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत जो है वो अपने आप जो है सीरियल के हिसाब से आगे चलती जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हीं सीरियल के हिसाब से उन पर सुनवाई करता रहेगा। लेकिन अर्णब गोस्वामी के केस में ये नहीं हुआ। अर्णब गोस्वामी के केस में ये हुआ है कि एक तरफ जो है अर्णब गोस्वामी ने अपनी याचिका डाली और दूसरी तरफ उसकी सुनवाई होती है। इसी बात को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं कि अर्णब गोस्वामी को यह स्पेशल ट्रीटमेंट आखिरकार क्यों दिया जा रहा है। आखिर अर्णब गोस्वामी आखिरकार है कौन जिसको यह स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इस बात को लेकर के अब सवाल खड़े हो गए हैं। और बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं। आपको पूरी खबर तफसील से बताते हैं। अर्णब गोस्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई क्यों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रजिस्ट्री के महासचिव से पूछे कड़े सवाल। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी के मामले में बिल्कुल कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है। दवे ने इस चिट्ठी के जरिए अर्णब की याचिका पर सुनवाई के लिए अगले ही दिन लिस्ट करने के लिए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपने अगले ही दिन जो है इसको लिस्ट क्यों कर लिया, इस बात को लेकर के दवे ने जो है वो सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्णब की याचिका तो दायर होते ही लिस्ट हो गई, लेकिन कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें इस तरह की त्वरित कार्रवाई जो है वो नहीं होती है, इतनी जल्दी कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। उन्होंने रजिस्ट्री के महासचिव से यह भी पूछ लिया कि क्या अर्णब गोस्वामी की याचिका पर तुरंत सुनवाई को लेकर के चीफ जस्टिस एस बोबड़े ने विशेष निर्देश तो नहीं दे रखे हैं। गोस्वामी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दवे ने यह चिट्ठी मंगलवार रात 8 बजे लिखी है। आपको बताएं कि किस तरह से यह हवाला दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, एस बोबड़े साहब का। दुष्यंत दवे ने जो है अपने इस चिट्ठी के अंदर दावा किया है, इस चिट्ठी के अंदर जो है वो सवाल पूछे हैं कि आपने जो ये कार्रवाई की है और लिस्टिंग जो करने का काम किया है, सबसे पहले जो है वो अर्णब की जो याचिका है उस पर सुनवाई हो रही है, तो क्या इसके लिए आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने विशेष निर्देश तो नहीं दिए हैं, यानी उनकी तरफ से तो आपको नहीं बोला गया है। और इसी बात को लेकर के आपत्ति हो गई है, इसी बात को लेकर के आपत्ति जो है वो दर्ज की गई है। गोस्वामी से मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। यहां पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा कि गोस्वामी से मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये सवाल उठा रहा हूं, बल्कि ये नियम कायदे जो हैं इनको ताक पर रख दिया गया है, इसीलिए जो है मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं। उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण तरीके से जो है अपने ये शब्द लिखे हैं। उन्होंने कहा कि क्या इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश और रोस्टर के मास्टर ने कुछ विशेष आदेश या निर्देश दे रखे हैं, या यह अच्छे तरह से मालूम है कि अप्रत्याशित तौर पर किसी केस की सुनवाई के लिए तत्काल लिस्टिंग चीफ जस्टिस के विशेष आदेश के बिना नहीं हो सकती है और न ही होती है। यह महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझिए, आपको पता चल जाएगा कि अर्णब गोस्वामी के मामले में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दखलंदाजी जो है वो की गई है। एक रोस्टर बना हुआ है और उसी रोस्टर के सिस्टम जो है वो सुनवाई होती है, लेकिन अगर किसी की विशेष सुनवाई करनी होती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं
वो कहते हैं उनके दिशा निर्देश पर अगर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर दिया जाता है। और दुष्यंत दवे ने यही सवाल उठाए हैं और उन्होंने यही कहा है कि क्या आपको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था इस पर अर्णब गोस्वामी पर अगले ही दिन सुनवाई करने के लिए। ये जो है महत्वपूर्ण है। कोविड महामारी के दौरान निष्पक्षता पर आई जांच, उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि यह गंभीर मुद्दा है कि आपके नेतृत्व में रजिस्ट्री कोविड महामारी के दौरान पिछले 8 महीने से केस की लिस्टिंग में निष्पक्षता नहीं बरत रही है। एक तरफ हजारों लोग जो हैं वो जेल में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिकाएं सुनवाई के लिए हफ्तों महीनों तक लिस्ट नहीं होती है, ऐसे में बहुत दुखद है। गोस्वामी जब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त करते हैं तो उनकी हर बार याचिका की सुनवाई तुरंत कैसे लिस्ट हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है बड़े सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्री हैं उनके ऊपर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने से जब से कोविड का ये जो है पूरा समय चल रहा है इस दौरान जो है कई हजार लोग जो है वो जेल के अंदर बंद है और उनकी याचिकाएं जो है वो आपके पास में लंबित पड़ी हुई है, लेकिन आप उन पर सुनवाई नहीं करते हैं। उनकी सुनवाई जो है वो कई कई हफ्ते कई कई महीनों तक जो है वो टाल दी जाती है, लेकिन अर्णब गोस्वामी जो है वो जमानत के लिए पहले दिन याचिका डालते हैं और दूसरे दिन जो है उनकी सुनवाई हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी जो है वो भी लपेटे में ले लिया है। दवे का सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस ने अर्णब पर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। दवे ने जनरल सेक्रेटरी से सवाल किया कि क्या इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश और रोस्टर के मास्टर ने कुछ विशेष दिशा निर्देश दे रखे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि यह अच्छी तरह से मालूम है कि प्रत्याशी तौर पर किसी केस की तत्काल सुनवाई तत्काल लिस्टिंग के लिए चीफ जस्टिस के विशेष आदेश के बिना नहीं हो सकती है और न ही होती है। दवे ने फिर से सवाल किया, क्या प्रशासकीय प्रमुख के रूप में आप या रजिस्ट्री गोस्वामी को विशेष महत्व तो नहीं दे रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि क्या आप अर्णब गोस्वामी को जो है विशेष महत्व तो नहीं दे रहे हैं? पी चिदंबरम जैसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील की याचिका भी तत्काल लिस्टिंग नहीं की गई थी, उन्हें कई महीनों जेल में गुजारना पड़ा था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लायक घोषित नहीं किया था। इस बात को आपको समझना होगा कि यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। पी चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, गृह मंत्री रहे इस देश के, वित्त मंत्री रहे इस देश के, वो जेल के अंदर थे और उन्होंने अपनी जमानत याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की थी, लेकिन उनकी भी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई थी। अगले ही दिन कई महीनों तक उनको जेल के अंदर रहना पड़ा था, उसके बाद में जो है उनकी सुनवाई हुई थी। और यहां पर जो है यहां पर अर्णब गोस्वामी पहले दिन जमानत याचिका डालते हैं और दूसरे दिन सुनवाई हो जाती है। बताइए कि पी चिदंबरम के लिए पूरी कांग्रेस जो है और वो खुद वरिष्ठ वकील है, देश के गृह मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, उनको जमानत नहीं मिल पाती है। कांग्रेस पार्टी जो है उनको जमानत नहीं दिलवा पाती है, लेकिन अर्णब गोस्वामी, किसका हाथ अर्णब गोस्वामी के सिर पर है कि उसकी जमानत याचिका पर एक ही दिन के अंदर सुनवाई हो जाती है? यह बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर सवाल उठाए हैं दुष्यंत दवे ने और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको जो है विशेष दिशा निर्देश दे रहे हैं। सवाल यही है कि अब तक लोग गाहे बगाहे कहते रहे कि अर्णब गोस्वामी के लिए जो है, और जिस तरह से बीजेपी ने खुल करके, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, वित्त मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने, तमाम बीजेपी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, हर किसी ने जो है बीजेपी के आला कमान से लेकर के छोटे नेता तक लेकर के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों तक ने, शिवराज सिंह चौहान ने, हर किसी ने उसकी पैरवी की थी। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान लगातार बार बार ये सवाल उठे हैं कि मोदी सरकार ने देश की संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया है, देश की संस्थाओं को पंगु बना दिया है। ये बार बार मोदी सरकार पर सवाल उठे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी अब सवालों के घेरे में आ गए। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए क्यों इतनी जो है वो उसको तवज्जो दे रहे हैं। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में अर्णब गोस्वामी को जो है वो जमानत दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वालों में कोई बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल है। अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सवाल उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अर्णब गोस्वामी पर तुरंत उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और उसके बाद में उनको जमानत दे दी गई, क्या वाकई आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो अर्णब गोस्वामी को बचाने के लिए अर्णब गोस्वामी की जमानत में उसका हाथ है? आपको क्या लगता है? या सुप्रीम कोर्ट जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है? आपको क्या लगता है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई नई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।